नमस्कार दोस्तों, खरौंदे लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। श्री बंशीधर नगर में जय श्रीमन नारायण के उद्घोष के साथ पाले जतपुरा में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का सोमवार को कलश यात्रा के साथ श्री गणेश हो गया। यज्ञ भारत के महान संत श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी प्रसन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। कलश यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने जय श्री मन नारायण के जय घोष से यज्ञ क्षेत्र समेत श्री बंशीधर नगर गुंजमान रहा। कलश यात्रा में वैदिक परंपरा के अनुसार सबसे आगे घोड़ा ऊंट के साथ लाखों श्रद्धालु लाल पीला व केसरिया रंग के पगड़ी बांधे श्रद्धा व उत्साह के साथ शामिल हुए। इसके बाद 10 रथों पर सवार विभिन्न क्षेत्रों से आए संत महात्मा एवं नागा बाबा साधु चल रहे थे। श्रद्धा भक्ति और आस्था रूपी त्रिवेणी में लगने वाले महाकुंभ जैसे इस विराट और ऐतिहासिक आयोजन में जय श्रीमन नारायण के नारे गूंजते रहे। कलश यात्रा जैसे ही सड़कों पर निकली तो कतारबद्ध महिला पुरुष श्रद्धालुओं का मनमोहक दृश्य देखते ही बन रहा था। महिला पुरुष सर पर कलश लेकर चल रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देख लोग अपने मोबाइल व कैमरे में कैद कर रहे थे। कलश यात्रा यज्ञ क्षेत्र से शुरू हुआ, जो मेन रोड होते हुए श्री बंशीधर मंदिर तक गया। वापस अधौरा होते हुए श्रद्धालु बाकी नदी के तट पर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच कलश में जल भर कर यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां पर यात्रा में कलश लिए शामिल महिला पुरुष श्रद्धालु ने यज्ञशाला की एक बार परिक्रमा कर कलश की स्थापना की। कलश यात्रा के दौरान शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ कई जगहों पर शुद्ध पेयजल, शरबत एवं बिस्किट की व्यवस्था की गई थी। विधि व्यवस्था को लेकर किए गए थे उत्तम प्रबंध। कलश यात्रा में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले से ही काफी तैयारी की गई थी। महदैया जेल से लेकर रमना थाना मोड़ तक वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया था। जगह जगह बैरिकेटिंग कर वाहनों को रोका जा रहा था। एसडीओ आलोक कुमार, एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी, पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर तैनात थे। वहीं भवनाथपुर के पुलिस इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार हेलीपैड पर मोर्चा संभाले हुए थे। कलश यात्रा में लाखों की श्रद्धालु हुए शामिल। कलश यात्रा को लेकर सुबह से ही शहर में उत्साह का माहौल था। श्रद्धालु केसरिया पीला और भगवा वस्त्र धारण कर सुबह से ही यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे थे। यज्ञ समिति के सदस्य भीड़ को नियंत्रित करने में दिन भर लगे रहे। कलश यात्रा में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। कलश यात्रा में विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, विश्वत्री के प्रखंड अध्यक्ष शैलेश चौबे, सीओ अरुण कुमार एक्का, नगर प्रबंधक रवि कुमार, झामुमो नेता ताहिर अंसारी, युवा समाज सेवी दीपक प्रताप देव, श्री बंशीधर सूर्य मंदिर के प्रधान ट्रस्टी राजेंद्र प्रताप देव, वरिष्ठ भाजपा नेता शारदा महेश प्रताप देव, रघुराज पांडे, कन्हैया चौबे, वीरेंद्र पांडे, श्रीकांत मिश्र, शिव कुमार पांडे, लक्ष्मण राम, राजू सिंह, भगत दयानंद यादव, राजा सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, झामुमो नेता मुक्तेश्वर पांडे, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कमलेश्वर पांडे, रामानंद पांडे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर, हृदयानंद कमलापुरी, यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष अमित शुक्ला, सचिव अनिश शुक्ला, लेखा पदाधिकारी धीरेन्द्र चौबे, सोनू सिंह, गुड्डू चौबे, श्याम बिहारी शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, नवनीत शुक्ल, जैनेन्द्र शुक्ला, सुशील शुक्ला, रिंकू चौबे, बिमलेश चौबे, मथुरा पासवान, उमेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नगर अनुमंडल से लोग पहुँचे थे।